उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में मुस्लिम समाज के लोगों की अनूठी पहल से एक बार फिर साबित हो गया है कि नफरत की चाहे जितनी मिट्टी डाल दी जाए उसमें से मोहब्बत का फूल खिल ही जाता है। सोमवार को हरिद्वार से चलकर कांवड़ी जब असमौली पहुंचे तो मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी के नेता हाजी मरगूब आलम ने कांवड़ियों का स्वागत कर जलपान कराकर जनता के प्रति एकता की मिसाल कायम की। विधानसभा असमौली में स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे यात्रियों के लिए एक विशाल भंडारे का आयोजन असमौली विधानसभा 32 के पूर्व प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम सदस्य कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश के साथ अन्य मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी कांवड़ियों का स्वागत किया। ये मैंने जो भंडारा किया है, ये जो कांवड़ वाले भोला भाई जो आ रहे हैं उनकी खिदमत के लिए, उनके जल पानी के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। और ये ख़ास तौर से इसलिए भी किया गया है कि ये एक गंगा जमुना तहजीब इससे जुड़नी चाहिए और ये एक सिला ये जाना चाहिए कि किसी का भी त्यौहार हो, हिंदू मुस्लिम त्यौहार हो, सिख ईसाई का हो, जो भी इस हिंदुस्तान में त्यौहार होते हैं, इन त्यौहारों को सब लोगों को मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए और एक दूसरे की खिदमत करनी चाहिए। ये सब त्यौहार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के सबके बराबर होते हैं और सबको मिलजुल के ही ये करना चाहिए। और इससे ये भी होता है कि हमारे यहाँ जो आज एक नफरत फैली हुई है, जो कुछ नेताओं ने हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांट रखा है, उसकी मिसाल है कि इस तरह मुसलमान हिंदूस यात्रा हो या हिंदूस जुलूस हो या हिंदूस त्यौहार हो, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, इनकी खिदमत करनी चाहिए। इसी तरह का पैगाम हिंदूस भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम त्यौहार जैसे आने वाला मुहर्रम है, उसमें सबील शरबत होता है, सारी जाति को हिंदू मुस्लिम को मिलकर के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, जिससे हमारे हिंदुस्तान में अमन कायम और शांति बनी रहे। मैंने यहाँ पानी का इंतजाम किया है, पकौड़ी नाश्ता है, चाय है, सोने का इंतजाम है, बाकायदे पूरे पंखे वगैरह उन लोगों के लगा कर रखे हैं, टॉयलेट बाथरूम का इंतजाम है, पूरी सुविधा घर जैसी बना रखी है ताकि भोला को किसी तरह की परेशानी ना आए। असमौली जी सरकार लगा रखा है, ये असमौली सरकारी हॉस्पिटल के सामने पेट्रोल पंप।